विश्वसनीय एग्जाम में आखिर कौन कौन हुआ फेल, तो देखिए एक बड़े पैनल के साथ एक खास चर्चा। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं रविंद्र कान्हारे, जो AFRC यानी एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी के चेयरमैन हैं, NEET UG एग्जाम कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के मेंबर भी रह चुके हैं। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर उपेंद्र अनमोल जी भी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, लंबा चौड़ा अनुभव है उनका इस फील्ड का। और सरकार और NTA जैसी एजेंसियों के तमाम दावों के बावजूद कैसे पेपर लीक जैसे संगीन अपराध हो जाते हैं, कैसे आरोपी पकड़े जाते हैं, ऐसे तमाम मामलों की जांच में शामिल रहे तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर C.Pal सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिंह साहब पंजाब पुलिस में IG रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स के प्रमुख की कमान भी संभाली है, इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी तमाम बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल रहे हैं C.Pal सिंह जी। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। तो पहला सवाल हमारा आता है रविंद्र कन्हारे जी आपके पास, क्योंकि आप खुद AFRC के चेयरमैन हैं और NTA के मेंबर भी रह चुके हैं। पहला सवाल, एक कॉमन क्यूरियोसिटी ये है कि जब 14 जून को शेड्यूल्ड था रिजल्ट आना है, तो ये रिजल्ट 4 जून को क्यों डिक्लेयर किया गया? क्या ऐसा पहले भी होता आया है या इस बार ही कुछ हुआ ऐसा? रिजल्ट होने के बाद कोई भी परीक्षा एजेंसी हो उसका ये प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। अब इस पर्टिकुलर केस में उसी तारीख को क्यों हुआ, इस पर हम लोगों का कोई कमेंट करना उचित नहीं है। एजेंसी के पास यदि रिजल्ट बन गया है तो उसको पेंड में उन्होंने घोषित किया होगा, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। अच्छा साहब, NTA लगातार कहती आई, खुद सरकार भी कहती आई कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई है, सब कुछ ठीक है, ये सब प्रपंच है और ये सब सोशल मीडिया के जरिए उसको बदनाम करने की साजिश है, लेकिन फिर खुलासे होने शुरू होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, कबूलनामे सामने आते हैं कि 30 से 35 लाख में एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पेपर शीट उनके पास पहुंच जाती है, बाकायदा लोगों के फिर नाम सामने आने शुरू होते हैं। तो जब इस तरह की अनियमितताएँ होती हैं तो NTA जिसको कि फूल प्रूफ काम करने के लिए जिसका गठन हुआ था और जाना भी जाता रहा है, लेकिन इस एक कहें गलती ने या कहें ये इस एक सवाल ने NTA की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा दिया? जी हाँ, ऐसा होता है कि देश की हर परीक्षा एजेंसी जब भी कोई परीक्षा कराती है तो उसका ये प्रयास रहता है कि परीक्षा की शुचिता जो है बनी रहे। इस केस में यदि पेपर लीक हुआ, ये अपेक्षा करता हूँ कि जहाँ जहाँ पेपर लीक हुए हैं, जिसके केसेस भी रजिस्टर्ड हुए हैं, उसकी तीव्रता से जांच होनी चाहिए। और मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि पेपर लीक होने की जो संभावित स्थान रहते हैं, अगर मैं बात करूं पॉइंट वाइज, तो पेपर सेटर, फिर मॉडरेटर, फिर प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टेशन और फिर सेंटर एंड इन्विजिलेटर, ये 6 स्पॉट होते हैं जिनको चेक करने की ज़रूरत रहती है। इस पर्टिकुलर केस में अगर आपके पास वो पेपर है जिसके ऊपर नंबर पड़ा होगा, तो हर अच्छी एजेंसी के पेपर पर एक कोड रहता है और उस कोड से ये जाना जा सकता है कि ये पर्टिकुलर पेपर किस सेंटर पे किस कमरे में भेजा गया था। उसका फोटो लिया हो तो भी ट्रेस किया जा सकता है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जहाँ कहीं भी ये पेपर लीक का काम हुआ होगा, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, उस सेंटर सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर, इन सबसे कड़ी पूछताछ होनी चाहिए। और कभी भी कोई भी एजेंसी का पेपर लीक होने से केवल काम नहीं हो जाएगा, पेपर लीक होना ये एक चीज़ है, फिर उसको सॉल्व करने वाला दूसरा अवेलेबल हो, तीसरा उसकी मार्किंग वाला हो, और चौथा फिर वो सेंटर पर्टिकुलर जहाँ पर कि इस विद्यार्थी को बिठाया जाना है। और ये पूरी प्रक्रिया एक दिन में नहीं हो सकती, इसके लिए लंबी प्लानिंग करी होगी किसी ने, तो लंबी प्लानिंग में कई लोग इन्वॉल्व होंगे और उन सबको ट्रेस करके और पनिशमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक एग्जाम की बात नहीं है, हमारी एक बड़ी एजेंसी की साख की बात है। इसलिए इस पे कड़ी कार्रवाई करते हुए इस तरह की जांच की जाना चाहिए, ऐसी हम सब लोग अपेक्षा भी करते हैं। हमें भी पूरी उम्मीद है कि ऐसा होना भी चाहिए। अच्छा, ये पूरा मामला है क्या, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, कन्हारे साहब से और सवाल पूछें, C.Pal सिंह साहब से जुड़ें और उपेंद्र अनमोल जी से भी हम बात करें, उससे पहले
कहां पर क्या क्या चीजें सामने आई, कैसे इस पूरे मामले की विश्वसनीयता पर सवाल उठे, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा मामला दरअसल था क्या। तो जब एनटीए और केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और कहा कि अगर 0.001% भी कुछ घपला हुआ है तो हमारी उस पर नज़र है, बच्चों ने तैयारी पूरी की है, धांधली से अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, कोर्ट ने कहा है, तो वो समाज के लिए कितना खतरनाक होगा, ये कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे। 0.001% लापरवाही भी हुई है तो उससे भी पूरी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। बच्चों की मेहनत को हम नहीं भूल सकते, बच्चों ने परीक्षा की पूरी तैयारी की है, कोर्ट इसको लेकर बहुत गंभीर है। एनटीए के लिए सोचने की बात है कि अगर कोई धांधली से डॉक्टर बन जाता है तो ये कितना खतरनाक है एक समाज के लिए। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है जो कोर्ट ने रखे हैं एनटीए के सामने, केंद्र सरकार को सीधे तौर पर सख्त लहजे में पूछा है कि इस तरह की धांधली कितनी गंभीर हो सकती है एक समाज के लिए। तो ये कुछ सख्तियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हैं इस पूरे मामले पर, और इसी पूरे मसले पर बातचीत भी करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, रविंद्र कन्हारे साहब जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, जो खुद चेयरमैन हैं एफआरसी के, एनटीए के मेंबर भी रह चुके हैं। डॉक्टर उपेंद्र अनमोल जी हैं, शिक्षाविद रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है इनको इस क्षेत्र का। सी पाल सिंह साहब हैं, एक्स आईजी पंजाब पुलिस। तो कन्हारे साहब, आपसे तो बात हुई, अब हम शिक्षा के क्षेत्र पर आए उससे पहले सवाल एक हम सी पाल सिंह साहब से पूछ लेना चाहेंगे। सिंह साहब, आपको लंबा चौड़ा अनुभव रहा है, ऐसे तमाम घपले आपने अपने करियर में देखे होंगे और उनकी गहन जांच भी की होगी। ये पूरा मसला अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि बड़ा अपने आप में अजीब है मामला। बिहार में जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई हैं कि एक गेस्ट हाउस का एक कमरा नंबर 440 बुक किया जाता है, स्टूडेंट का जो नाम है जिसके नाम पर कमरा बुक किया जाता है उसके आगे ब्रैकेट में जो रजिस्टर है वहाँ गेस्ट हाउस का, उसमें मंत्री जी लिखा हुआ है। यानी बातें ऐसी आ रही हैं कि मंत्री जी के रेफरेंस से गेस्ट हाउस में कमरा बुक हुआ है, वहाँ फिर 30 स्टूडेंट्स को सवालों का रट्टा लगवाया गया है और पोस्ट डेटेड चेक्स मिले हैं वहाँ पर, तमाम और चीज़ें भी मिली हैं। तो ये सब चीज़ें सामने आने के बाद जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो कैसे अब आगे बढ़ेंगी, क्योंकि चीज़ें काफ़ी खुलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, जैसे पहले वक्ता ने कहा, बहुत हद तक उन्होंने हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की है शॉर्ट ड्यूरेशन में। मैं चीफ रैपिड एक्शन फोर्स का भी रहा हूँ, वहाँ भी भर्तियाँ होती रही हैं, उसके बाद मैं एकेडमी का भी डायरेक्टर रहा हूँ, तो उसमें इम्तिहानों की बात, रिजल्ट्स की बात भी होती रही है, तो उस सिलसिले में मुझे काफ़ी हद तक इसका खबर है। अब बात यह है कि इसमें जैसे बातें आ रही हैं बाहर, इससे साफ है तो कहीं ना कहीं गफला तो हुआ है, इसमें तो कोई शक रहा नहीं। इसके ऊपर मैं अगली बात करने से ये जानना चाहता हूँ कि क्या जरूरत है गवर्नमेंट को, यहाँ के प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले क्यों बयान दे दिया खामखा कि हाँ जी हमने पता कर लिया है, जांच हो गई है, सब चीज़ पता चल गया है और इसमें यह है कि कोई बात खास नहीं है, जिनके रिजल्ट हुए इतने ग्रेस मार्क उनको देने जाए, या दूसरे को टेस्ट दोबारा देना चाहते वो दोबारा दे दें, उनको भी इतना ग्रेस मार्क हो, ये मतलब गोल मोल बात करके आप सबके मन के अंदर एक पहले ग्रेस मार्क देते हैं, फिर ग्रेस मार्क कैंसिल कर देते हैं, फिर कहते हैं या तो एग्जाम दे दें वो स्टूडेंट्स, या उनके मार्क्स में से हम ग्रेस मार्क हटा कर उनको हम उनके अंक तालिका दे देंगे। ये बहुत हल्कापन नहीं हो रहा है इतने गंभीर एग्जाम के साथ? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस किस्म की बात जो है खामखा, बात है कहाँ तक, किसका इसमें कसूर है? गवर्नमेंट खामखा इस चीजों पर बयान देकर या मंत्री बयान देते हैं तो अपने आपको एक शक की निगाह के अंदर आप लोग सारे देखते हैं कि इनमें इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। ये बात जो है ये बहुत गहरी है, जिसको पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली कंडेम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, हो गया, इसको विड्रॉ किया गया, फिर कह रहे हैं कि अब टेस्ट होगा। अब सवाल हुआ ये हुआ क्या? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा एक कुछ साल पहले एक टेस्ट किया गया, मैंने कुछ रिक्रूट भर्ती करने थे रैपिड एक्शन फोर्स के अंदर, उनके कुछ हमने बायोडाटा, कोई बायोमेट्रिक्स भी उनके टेस्ट किए, वो सब से देकर हमने एक पुलिस की ज़बरदस्त एजेंसी है उसको दिया कि इनके ये करेक्टरिस्टिक फॉलो करके हमें बताइए कि इसमें क्या क्या ये है, क्योंकि हम जब रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी कर रहे थे हमने ये देखना था कि इसमें करेक्टरिस्टिक ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होने चाहिए,
क्योंकि इसमें अग्रेसिव होने से होता है कि हम रैपिड एक्शन फोर्स एक फोर्स आई है जो कि सिर्फ अमन के लिए के कम्युनल राइट्स ना उसके लिए खड़ी की जा रही है, तो इसमें अग्रेसिव आदमी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक का मार्क करके हमने दे दिया और एजेंसी दिल्ली में है, उसको बोला भाई ये है, हमने भर्ती किया, आप इसमें आप हमें डाटा दे दीजिए कि इसमें इतने कितने परसेंटेज एग्रेसिव कितना नहीं है, ये है वो है, दे दीजिए। तो बिफोर इट कुड बी, वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट पहुँच गए उस एजेंसी के पास, हालांकि बिल्कुल बिल्कुल खुफिया तौर पर बात पूछी गई थी कि ये है, इनके मुझे बायोडाटा के अंदर पूरी डेटा है कितना कितना अग्रेसिव एलिमेंट है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें वो ना पूछा। तो उन बेचारों को ये ख्याल नहीं था कि इसमें इतना, उन्होंने उनको बता दिया ये है जी, इसमें इतना अग्रेसिव एलिमेंट है, इसमें इतना इतना है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी पेपरों ने एकदम उनमें सेंटर स्टेज में उनके आ गया कि शिवपाल सिंह जो है अफेक्ट टेररिज्म का करके आया है वहाँ से और इसको यहाँ पे बना दिया चीफ, ये तो यहाँ हाईली अग्रेसिव एलिमेंट को ले रहा है। अब देखिए एक चीज़ जो बिल्कुल खुफिया तौर पर हमने पूछी, उसको लेने हैं या नहीं लेना ये बाद में सोचेंगे, लेकिन उसके अगर मैं कोई गलत बयानी और दे देता तो उसके साथ बात ख़त्म हो जाती है और उसके बाद मेरे पे इल्ज़ाम आता या हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इल्ज़ाम आता। तो मैंने ये कहा, मैं आपको बताने का क्यों मिनिस्टर साहब की बात को कर, हमने कहा साहब हमने उनसे उनके एलिमेंट्स पूछे हैं, उन्होंने बोला है कुछ आदमी के अंदर ये अग्रेसिव है, हत्तुल विसा कोशिश यही होती है कि इसमें मिनिमम अग्रेसिव एलिमेंट हो जो रैपिड एक्शन फोर्स में लिया जाता है, लेकिन अगर कोई अग्रेसिव एलिमेंट ज़्यादा होगा इसमें तो हम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अग्रेसिव एलिमेंट पुलिस के अंदर होने ही चाहिए। मैंने ये सवाल किया, मैं नहीं जानता कितना अग्रेसिव एलिमेंट है, मेरी रिपोर्ट नहीं, मगर अगर उन्होंने कहा कि इसमें अग्रेसिव एलिमेंट है और हो सकता है हो भी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पुलिस में कुछ ना कुछ अग्रेसिव एलिमेंट होना चाहिए, चाहे वो रैपिड एक्शन हो, तो उसको कवर हो गया। सवाल ये है कि जो आप बयान देते हैं उसको मद्देनजर रखिए कि आगे क्या होना चाहिए, एक उसके अंदर क्या कुछ होगा गफला इसका, और आप पूछा दोनों को पूछे फिर मैं भी बताऊंगा इस गफले में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। ये तो मैं आपको तमहीद बता रहा हूँ कि इस किस्म की बातों को बड़ा खुफिया तौर पर दिया जाता है, ये इन्वेस्टिगेटिंग हो रही है, आप इन्वेस्टिगेशन से पहले ही बयान देने लगे कि इसमें इतने मार्क्स दे दो, ग्रेस मार्क्स दे, ये मैं सब इतनी सी बात आपको तमहीद बताई है कि नहीं होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन का आपको वेरवा देता हूँ, मैंने बताया, हमने कहा हमें नहीं मालूम, आने दीजिए उनसे क्या है अग्रेसिव एलिमेंट क्या नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ यहाँ बैठा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी तभी तो ये कहा था कि अगर गलती हुई है तो मानिए कि आपसे गलती हुई है और आगे ऐसा नहीं होगा, और कौन लोग इन गलती में शामिल रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, यही तो कहना था, लेकिन पहले ही डिफेंसिव हो गए, नहीं कुछ गलत नहीं हुआ है, कुछ हमारी तरफ से गलती नहीं हुई, और अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं ये पूरी प्रक्रिया, और ये प्रक्रिया 2017 से चल रही है, तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इससे पहले भी इस तरह के घपले होते आए हैं। हमारे साथ शिक्षाविद डॉक्टर उपेंद्र अनमोल जी भी जुड़े हुए हैं। सर आपसे बात करना चाहेंगे कि ये एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और अगर हम डॉक्टरी की बात करें तो इस पेशे को भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है, तो यहाँ पर अगर इस तरह से घपले से स्टूडेंट्स एंटर कर रहे हैं तो सवाल तो अब ये भी उठने लगे हैं कि जो बी सी ग्रेड के कॉलेजेस हैं हो सकता है वहाँ इनको पास कराने का भी आगे कोई रैकेट चल रहा हो, तो हम छुरी एक ऐसे इंसान के हाथ में दे रहे हैं जिसे कहते हैं ना बंदर के हाथ में उस तरह, तो ये हम ऐसे लोगों के हाथ में मेडिकल प्रोफेशन जैसी जो कहें कि सबसे प्रेस्टिजियस हमारा इंस्टीट्यूशन है उसके अगर हम कमान सौंप रहे हैं तो कितना गंभीर है एक समाज के लिए ये। बहुत अच्छा सवाल आपने संजीव जी आपने किया, क्योंकि जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां आपके स्किल के आधार पर चीजें चलती हैं, वहां पर धांधली के माध्यम से या किसी लूप होल के माध्यम से इंटर करना निश्चित रूप से बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। जो लोग डॉक्टर बनते हैं या इस पेशे में आते हैं उनकी कुशलता ही मरीज के लिए अच्छे परिणाम का कारक होती है, और इस तरीके के लोग अगर ये मेडिकल प्रोफेशन में आएंगे तो निश्चित रूप से यह पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा और दूसरे अनेक लोगों के जीवन के ऊपर जोखिम खड़ा होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बहुत सोच विचार के बहुत सावधानी के साथ जो है एग्जाम को आयोजित किया जाए। लेकिन संजीव जी ये सवाल बहुत बड़ा है, आप पिछले कई सारे एग्जाम से अनेक राज्यों में
लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ये पहला मुद्दा नहीं है, केवल ये 24 लाख बच्चों का जो नीट का है, ये तो जाहिर हो गया था पहले ही दिन से कि कुछ न कुछ धांधली हुई है। शिक्षा मंत्री ने बिना समझ के, बिना सूझबूझ के बयान दिया और बिना जांच के क्लीन चिट देने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मुद्दा गंभीर था, लोग अवेयर थे और बहुत सारे केस पटना में और बहुत जगह रजिस्टर हो गए थे, तो कोई भी शिक्षा मंत्री की बात से सहमत नहीं था। इसीलिए सब ने मांग की कि भाई अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, जांच करवानी चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि आपकी सरकार में हुआ या किसी के सरकार में है, मुद्दा है कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे में विश्वास बहाल किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे विश्वास नहीं बहाल किया जाता है तो यह देश के भविष्य के साथ सवाल खड़ा हो जाता है। हम अनेक क्षेत्रों में बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित कर रहे हैं, विज्ञान क्षेत्र में हम लगातार उपलब्धियां अर्जित कर रहे हैं, चंद्रयान 3 जैसे कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और चंद्रमा की धरती पर लैंडिंग कर रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या हम एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक विश्वसनीयता के साथ, पारदर्शिता के साथ एग्जाम नहीं करवा सकते? इस तरीके की घटना पूरे सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है और सबसे बड़ी बात जो विश्वास पैदा करती है, और जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो उनकी एज कम होती है, कहीं उनमें इस तरीके से अविश्वास का माहौल बन जाएगा तो निश्चित रूप से यह बहुत सही नहीं होगा। हमारी कोई भी उपलब्धि फीकी पड़ जाती है अगर इस तरीके की जो है समस्या उत्पन्न होती है। तो निश्चित रूप से इस मामले में सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम हो। देखिए एनटीए के साथ शुरू से ही समस्या रही, यद्यपि एनटीए का कंसेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन एनटीए का जो स्ट्रक्चर है और एनटीए जिस ढंग से काम कर रहा है, शुरुआत से ही इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। ऐसे में मैं सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार इसमें बड़ा बदलाव लाए। बदलाव की गुंजाइश तो बिल्कुल अब है और अब इसके इस पर साथ गंभीरता एग्जाम से सोचना भी होगा। हमारे साथ रविंद्र कनारे साहब जुड़े हुए हैं, उनसे हम वापस आ रहे हैं अपने सवालों को लेकर। कनारे साहब, 67 स्टूडेंट्स हैं जिनको 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं, उसके अलावा पिछली बार अगर हम देखें तो सिर्फ 2 थे जिनको ऐसे मार्क्स मिले थे, इस बार 67 हैं और करीब 1500 से ऊपर हैं स्टूडेंट्स ऐसे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो बात ये कर लेते हैं कि जब ये 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिले तो सफाई ये आई कि अब बच्चों में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ गई है और बच्चों में जागरूकता बहुत बढ़ गई है, इसलिए एक साथ इतने लोगों के फुल मार्क्स आए हैं। फिर एक ही सेंटर से कई स्टूडेंट्स हैं जिनके फुल मार्क्स आए हैं, फिर हम एक एक करके आते हैं। तो क्या 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिल जाना और एक ही सेंटर से कई स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाना, एक एक करके आते हैं, क्योंकि इसके बाद हम ग्रेस मार्क पर भी आपसे बात करेंगे क्योंकि उस पर सफाई ये दी गई, क्योंकि कुछ कमियां रह गई थी, आंसर शीट्स देर से मिली जिसकी वजह से कॉम्पनसेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही एक 2018 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। लेकिन ये जो इस बार हुआ, जो रिजल्ट आया, उसमें ये सब चीज़ें जो निकल कर आ रही हैं, क्या ये सवाल नहीं खड़े करती हैं? जी, मैं एक एक बिंदु पर जवाब देता हूँ। सबसे पहले ग्रेस मार्क की बात करें तो समय जितना वेस्ट हुआ है उसके अनुपात में अंक देने का कोई प्रावधान भी नहीं है और औचित्य भी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति 5 मिनट में भी 20 सवाल कर सकता है और 3 घंटे बैठा रहे तो भी नहीं आएंगे, इसलिए कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये एनटीए ने अच्छा किया कि अपने निर्णय को वापस ले लिया है, और ये किस क्यों ऐसा किया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर निर्णय वापस लिया है तो अच्छा किया, पहली बात। दूसरी बात है कि एक सेंटर से ज़्यादा लोगों के पूरे पूरे अंक आ जाना, तो मुझे लगता है कि इन छात्रों की प्रोफाइल चेक की जानी चाहिए, इनके 12th में कितने नंबर हैं, कितने मार्कशीट में इनके नंबर आए थे वो चेक किया जाए, और ये सत्यापन करें कि क्या वास्तव में ये इतने योग्य हैं। क्योंकि ये तो आइडियली तो कहा जा सकता है कि भाई आजकल लोग बहुत तैयारी करते हैं, बढ़ गए, लेकिन एक ही सेंटर से इतने लोग आ जाएं इसको चेक करने की ज़रूरत है। तो उनके 11वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स देख लिए जाएं। दूसरा एक इशू और देख लिया जाए कि जब इसकी लिंक खोली गई थी तो उस लिंक खोलने में क्या यही लोग हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, ऐसा चेक करने से हमको ये पता लग जाएगा कि ऐसा तो नहीं हुआ किसी स्तर पे कि
कि लिंक बाद में खोलने से इनको मनमाना सेंटर मिल गया। आदर्श व्यवस्था ये होती है कि बच्चे को सिटी जब अलॉट होती है, दो दिन के लिए जो लिंक फिर से खोला गया था, सवाल इस पर भी उठ रहा है, उसको चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या ऐसा हुआ कि लिंक खोलने पर जो बच्चे आए उन्हीं में से मेरिट में आ रहे हैं या हाईएस्ट आ रहे हैं, इसको चेक करने की जरूरत है। आमतौर पे होता यह है कि बच्चे को जो सेंटर है वो रेंडमली अलॉट होता है, पहले से पता नहीं होता कि उसको कौन सा सेंटर मिलेगा। दूसरी बात, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट पकड़ा गया है, मैं सोचता हूँ कि उससे सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए कि क्या सिस्टम के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति इन्होंने तो नहीं इंसर्ट कर दिया है, क्योंकि पेपर लीक होने की, जैसा मैंने शुरू में कहा कि भाई प्रेस है तो प्रेस का करोड़ों रुपया लगा हुआ है, कोई भी प्रेस वाला नहीं चाहेगा कि मेरा नाम खराब हो। जहाँ तक सेटर और मॉडरेटर की बात है तो वो लोग बहुत टेस्टेड रहते हैं और पहले से ये पता भी नहीं रहता आएगा कि नहीं आएगा, इतने तरह के सेट बनते हैं तो वहाँ से लीक नहीं हो सकता। अब केवल एक प्रोबेबिलिटी बचती है कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन और सेंटर पे जब पेपर रखे जाते हैं तो वो रखते हैं हम बैंक के चेस्ट में, तो ये चेक कर लिया जाना चाहिए कि बैंक से इन्होंने कितने बजे निकाला, उसमें इन्विजिलेटर कितने थे, उन्होंने साइन किए कि नहीं किए, स्टूडेंट के प्रेजेंस में साइन हुए कि नहीं हुए। बड़ा आसान सिस्टम है चेक करना, तो मुझे लगता है कि अगर थोरो इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो हम बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर त्रुटि हुई है। दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है अगर जांच की जाए, इतना मुश्किल नहीं है आपके मुताबिक। सीपाल सिंह साहब के पास आते हैं। सर, आपने सुना होगा जो अभी कनारी साहब ने कहा, आपको थोड़ा सा हम इस बारे में ब्रीफ भी कर दें कि इसमें एक जो नाम बिहार में उभर कर आ रहा है एक शख्स का, उसके अपने बेटा और बेटी दोनों MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें बेटा जो है वो PG की पढ़ाई कर रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो लड़का जिसको हिरासत में लिया गया है, जिसके नाम पर कमरा अलॉट किया गया था 440 नंबर, वो उसका रिश्तेदार है। तो यानी यहाँ पर एक पूरा हम देखेंगे कि एक नेक्सस चल रहा है। तो ये सवाल सिर्फ इसी साल का नहीं रह जाता है, इस शख्स ने इससे पहले भी क्या क्या किया है, जब ये खुलेगा तब तो ये एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं एक पोथा खुल सकता है कि इससे पहले भी क्या क्या फ्रॉड किए जा रहे थे जो अब तक पकड़े नहीं गए। जो बात बताई है अभी हमारे एक साहब ने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की बात करता हूँ। अब जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसके दो प्रोसेस होते हैं। एक तो है कि एलिमिनेशन प्रोसेस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और बाकी रह गया जो हो सकता है उसके ऊपर आप देंगे कि ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये तो एलिमिनेट कर लें, और इसमें जो नहीं एलिमिनेट होता उस मुद्दे को लेकर उसके ऊपर थारो इन्वेस्टिगेट कीजिए। दूसरा तरीका होता है रैंडम, कि इमीजिएट रिजल्ट करने के आपके दिमाग में कुछ एक बातें आई, आपने रैंडम चेकिंग कर करके उठाना शुरू कर दिया, आदमियों को उठा लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी हैपहैज़र्ड, उससे नुकसान भी हो सकता है, फ़ायदा ये होता है क्विक एक्शन, लेकिन नुकसान ये होता है कि गलत आदमी को पकड़ते हैं, गलत आदमी और कहानी डालेंगे। सो दूसरा तरीका होता है रैंडम चकर ले, एक एलिमिनेशन। तीसरा बात है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जिसमें पुलिस के साथ ऐसी एजेंसीज और ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनको इस सिस्टम का पूरी तरह समझ है, जैसे आपके साथ एक वक्ता बोले, उनको एजेंसी जो कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसमें शामिल होना चाहिए, ताकि जब ये बैठते हैं, हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं बैठ के ताज, तो हर एक का मुद्दा लिया जाता है, वो कहेगा इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो उसके बाद आप डिस्कस करते हैं कि हाँ इस मुद्दे पर हमको अभी शुरू करना चाहिए। मेरे सबमिशन ये है कि अभी भी हैप हैज़र्ड काम ना करें, इसको पकड़ गया, ये हुआ था, वहाँ पे ये हुआ था, वो मिनिस्टर कहते हैं उसके दो बच्चे थे, ये हो सकता है, दिस इज रैंडम, आपने रैंडम पकड़ कर लोगों को साबित कर दिया, पकड़ लिया जल्दी जल्दी। दूसरा हो सकता है कि नहीं एलिमिनेशन ग्रेजुअली, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हुआ, ये भी चेक हुआ, ये रह गया, जो एरिया रह गए उसके अंदर थारोली इन्वेस्टिगेशन हो। तो मेरी सबमिशन है कि इस इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल सिस्टमेटिक होना चाहिए, इसमें वो व्यक्ति शामिल होना चाहिए, सिर्फ पुलिस की एजेंसी के आ जाए ऐसे कुछ नहीं, उनका ज़रूर इन्वेस्टिगेशन की तरफ माइंड होगा, लेकिन उसके साथ दूसरे आदमी वो होने चाहिए जो इम्तहानों के साथ जुड़े रहते हैं, जिनको पता है कि ये ऐसे होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि नहीं जी ट्रांसपोर्टेशन में कहीं हुआ होगा, ये नहीं हो सकता, तो ट्रांसपोर्टेशन में कौन थे उनको पकड़ो, उनके कौन कौन विजिलेंस के अंदर गए उनको पकड़ो, ये रैंडम बात है, इसको आप नज़र रख सकते हैं,
इमीडिएट एक्शन नहीं लेना, तो मैं इन्वेस्टिगेटिंग के तौर पर आप मेरे को ये बताना चाहता हूँ, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए और उस प्रोसेस में ऐसे शख्स होने चाहिए जिनको नॉलेज है, और साथ साथ ऐसे होने चाहिए जो इन्वेस्टिगेशन में रहे हैं, जिनको इन्वेस्टिगेशन का भी समझ हो। हम एकदम को पकड़ने, इसको पकड़ने, वो बात रेंडम वाली बात जो करनी है उससे कुछ नुकसान होने का खतरा होता है, क्योंकि उसमें गलत बातें भी हो सकती है, सबूत नष्ट होने का भी खतरा होता है, लोग बचकर भाग जाएं इसका भी खतरा रहता है। तो बहुत सही बात आपने कही कि एक एक सिस्टम बनाकर जिम्मेदार लोगों को जोड़कर तजुर्बेकार लोगों के साथ इसकी जांच होनी चाहिए। उपेंद्र अनमोल जी आपके पास आते हैं। उपेंद्र साहब, स्टूडेंट से आपका रिश्ता बहुत गहरा रहा है। जब एक बच्चा मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करता है तो कभी कभी तो पहले ही साल में हो जाता है, वरना 2 से 4 साल तक वो मेहनत करता रहता है कि भाई इस बार बात बनेगी, इस बार मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। अब जब इस तरह का घोटाला निकलकर सामने आया है तो एक आम स्टूडेंट जिसने अपनी ज़िंदगी, अपनी अपने परिवार की पूंजी सब कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इस समय बेचारा परेशान है। उसकी मनोदशा ये है कि मैं जो कोशिश कर रहा हूँ क्या उसका कोई नतीजा मिलेगा, या ऐसा ही अंडर टेबल एक सिस्टम चलता रहेगा, या इसी वजह से शायद मेरा सिलेक्शन ना हो पाया हो। तो बहुत सारे सवाल हैं। तो एक स्टूडेंट जिसने अपनी ज़िंदगी के अहम साल लगाए हुए हैं वो तो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उनको तो सही मायने में काउंसलिंग की ज़रूरत है। कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अपना एक तरह से बैलेंस खो बैठे होंगे इस घोटाले के सामने आने के बाद। शायद अनमोल जी तक आवाज़ पहुंच नहीं रहा, तो यही सवाल हम रविंद्र जी आपसे करना चाहेंगे। तो ये एक स्टूडेंट के लिहाज से सर तो बहुत गंभीर हो जाता है कि जिसने अपनी ज़िंदगी के कई साल लगाए हैं MBBS की तैयारी में, जब वो ऐसी चीज़ें सुनता है, वो बेचारा, उसकी उम्र कम है, वो कच्चा कच्ची मिट्टी का है वो बच्चा अभी, उसका देखा जाए तो अभी समाज के सामने उसको आना है निकलकर, लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ऐसी चीज़ें बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डालती हैं। फिर भविष्य में वो कुछ कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे, ये सवाल उनके मन में उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। तो एक बच्चों की मनोदशा को अगर आप देखें तो उस पर बहुत गहरा हिट करती हैं ऐसी चीज़ें। देखिए, हर बच्चा किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत तैयारी करता है, और न केवल बच्चा बल्कि उसके पूरे परिवार का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, पैसा भी लगता है और समय भी देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जब कभी इस तरह का कोई बात हो जाती है तो उनके उम्मीदों को ठेस पहुंचती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बात केवल इसी एग्ज़ाम की नहीं है, हमारे किसी भी एग्ज़ाम के प्रति यदि संदेह पैदा हो जाए तो ये जो अविश्वास पैदा होता है ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। मेरा यह मानना है कि किसी भी स्तर की परीक्षा हो, उसकी गोपनीयता, विश्वसनीयता और समय पर उसका आयोजन, ये तीनों चीज़ें हमेशा होनी चाहिए। और जिन बच्चों को परीक्षा में अब ये लग रहा है कि दोबारा होगी या इसी के आधार पे होगा, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक एक तनाव सा होगा, इसलिए जितना जल्दी इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए, निर्णय ले लिया जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर दोबारा होना है तो बच्चे उस हिसाब से तैयारी करेंगे, अगर किसी सेंटर का ट्रेस हो जाता है कि इन 10 सेंटर पर गड़बड़ी हुई है तो उनके निरस्त करके और उनके लिए एग्जाम, जो भी निर्णय लेना है जल्दी होना चाहिए, जिससे बच्चे मनोवैज्ञानिक तनाव में न रहें और हमारे किसी भी एग्जाम के प्रति युवाओं के अविश्वास की भावना पैदा न हो, क्योंकि सिस्टम के प्रति अविश्वास होना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। मुझे लगता है कि इस दिशा में काम करने की ज़्यादा जरूरत है। जी, कई बच्चे ये भी हैं, कह रहे हैं कि भाई हम कोर्ट नहीं गए, हमें NTA पर पूरा भरोसा था, अब हम क्या करें। 15 दिन से बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एग्जाम फिर से होना चाहिए। इसको लेकर अब कई राजनीतिक दल भी इसमें सामने आए हैं, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह भी बच्चों की इस मांग पर उनके समर्थन में सामने आए हैं, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। बहुत बड़ा घोटाला है और मैं आपको 2-3 बातें बता दूं। ये परीक्षा का रिजल्ट आना था 14 जून को, लेकिन निकाला गया 4 जून को। क्यों निकाला गया? क्योंकि 4 जून को जब रिजल्ट चुनावों के आ रहे थे, उस बीच ये रिजल्ट निकाला गया कि इसकी चर्चा ना होने पाए, इसके घोटाले की चर्चा ना होने पाए। दूसरी बात, 720 अंक पाने वाले 67 बच्चे, जो असंभव है अपने आप में। तीसरी बात, इसमें एक बच्ची ऐसी है गुजरात की जिसको 1 नंबर मिला फिजिक्स में, वो टॉप कर जा रही है, 720 अंक पा रही है। चौथी बात, किसी को 718 अंक मिला, किसी को 719 अंक मिला, जो असंभव है। ये नीट का एग्जाम रद्द होना चाहिए, आज सड़क पे हम लोगों ने आंदोलन किया है। तो जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो सवाल तो ऐसे उठेंगे ही, यही सवाल हमारा भी पहला था कि क्या ज़रूरी था
कि अगर एक डेट पहले दी हुई थी तो 4 जून को ही इसके नतीजे सामने आना, जिस दिन जनरल इलेक्शन के नतीजे आ रहे थे, एक दिन इसको टाला भी जा सकता था ताकि लोगों के पास कम से कम सोचने समझने का वक्त होता, तो ऐसे सवाल उठना लाजमी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर उपेंद्र अनमोल। उपेंद्र साहब, ये पूरा मसला आपकी नज़रों में तो होगा ही, इसमें चिंताजनक बात ये है कि NTA देश की प्रतिष्ठित एजेंसी जो एग्ज़ाम कराने के लिए ज़िम्मेदार है, फुल प्रूफ सिस्टम जिसका माना जाता है, तो किस किस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, कहीं पर पेपर लेट से मिल रहा है, फिजिक्स के एक क्वेश्चन के दो दो आंसर सामने आ रहे हैं। हम एक छोटी सी बात करें, हम लोग एक न्यूज़ सेटअप में काम करते हैं, हम भी अगर कोई खबर लिखते हैं तो 3 नज़रों से वो खबर गुजरती है इससे पहले कि वो जनता तक पहुँचे। यहाँ NTA जैसी एजेंसी अपना क्वेश्चन पेपर बना रही है और एक क्वेश्चन के दो दो आंसर्स हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन शीट जो है वो फटी हुई आ रही है, ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं, गलत क्वेश्चन शीट है, गलत OMR शीट है, शीट फटी हुई है, तो ये NTA जैसी एजेंसी और इस तरह की चूक अगर रह जाती हैं, उनका कोई एडिटोरियल सिस्टम ही नहीं है जो चेक कर पा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात नहीं है? संजीव जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया और सीपाल सर भी यही बात कर रहे थे। देखिए, किसी भी एग्जाम में एग्जाम करवाने वाली संस्था के लिए सबसे बड़ा होता है विश्वसनीयता बनाना, ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम करवाना, और NTA कहीं ना कहीं से इन उद्देश्यों को नहीं किए, जिसके नाते लोग ये क्यों संदेह हुआ। संदेहकरण अब तो जांच के माध्यम से होगा, रविंद सर भी कह रहे थे, सिपाल सिंह सर भी कह रहे थे, उनका बहुत लंबा अनुभव है, लेकिन यहाँ पर आम जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर हमारे के साथ क्या आगे खिलवाड़ नहीं होगी, क्योंकि मुद्दा केवल इसी वर्ष के एग्जाम में ये गड़बड़ी होने का नहीं है, मुद्दा है कि आगे क्या विश्वसनीयता बनेगी, क्या UPSC की तरह NTA जिम्मेदार और संस्था बन पाएगी, भरोसा करके इतना में विद्यार्थी एग्जाम देंगे और बहुत मन से पढ़ाई करेंगे। किसी चीज में अविश्वसनीयता उत्पन्न हो जाती है तो जो है, जो बच्चे मेहनती होते हैं, जो ईमानदार होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से जो अपनी मेहनत ठीक से नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि मैं मेहनत करूंगा, पता नहीं परिणाम हमारे अनुकूल आएगा या नहीं, धांधली हो जाएगी, मेरे भविष्य के साथ वही चीज हो जाएगी। ऐसे में मेरा जो है ये कहना है कि NTA में बड़े स्तर पर सुधार किया जाए, पहले तो इस पूरे जांच इससे संबंधित जितनी भी जांच है उसको पूरा कर जल्दी जल्दी कार्रवाई किया जाए, अगर नीट के एग्जाम में गड़बड़ी हुआ है तो दोबारा निश्चित रूप से करवाया जाए। आगे ये लेना चाहेंगे कि बातें आ रही हैं कि 30-35 लाख रुपए में पेपर बिके हैं, रूम में इसका रियाज किया गया है, आंसर शीट रटाई गई है, अब स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, 15 दिन से मांग कर रहे हैं कि फिर से एग्जाम हो, जब इस तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं, पोस्ट चेक्स मिल रहे हैं जो आरोपियों के नाम पर हैं, माफियाओं के नाम पर हैं जिनको पेमेंट किए जाने थे, एक कमरे की बुकिंग का मामला सामने आ रहा है, एक ऐसे आदमी का नाम सामने आ रहा है जो इससे पहले LED के 3 करोड़ के घोटाले में भी उसका नाम सामने आ चुका है, तो जब ये सब कुछ सामने आ चुका है तो एग्जाम क्या फिर से नहीं होना चाहिए? विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में पहला कदम क्या होना चाहिए? संजीव, यही टैच बताया, यही वो बातें हैं जिस से शक की गहरी हो जाए और लगता है कि अब इस मामले को रद्दी की टोकरी डाला जा सकता है, बेड के नीचे दबाया नहीं जा सकता और दबाना भी नहीं चाहिए, तो ऐसे में निश्चित रूप से बहुत अच्छे से सरकार को भी NTA को प्रयास करना चाहिए और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए जांच की जो पूरी प्रक्रिया है उसको संपन्न करवाना और इसकी आगे व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि आगे एग्जाम फेयर हो, सारे लोगों का विश्वास हो, फिर हमें 21वीं सदी में जो है जहां पे हम एक तरफ फार्मेसी के कैपिटल के रूप में जा रहे हैं, नाइन्स में वैक्सीन कैपिटल भारत को समझ गए, आप कह रहे हैं कि विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि इस एजेंसी को लेकर फिर कभी इस तरह के सवाल ना उठे। तो हम अगर ये पूरा मामला देखते हैं और बहुत सारी चीजों को हम संक्षेप में आपको बताएं, तो 720 में से 720 67 स्टूडेंट्स को मिलते हैं, 1500 से ऊपर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, बाद में ग्रेस मार्क्स हटा ली, ग्रेस मार्क्स क्यों दिए जा रहे हैं इसका उल्लेख कहीं नियमावली में नहीं है, वो दिए जाते हैं क्योंकि कुछ कमी देखी गई, आंसर शीट मिली या पेपर फटा हुआ मिला जिस वजह से उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, फिर ग्रेस मार्क्स हटा लिए जाते हैं, हटाने के बाद कहा जाता है कि स्टूडेंट्स या तो फिर से वो
कुछ स्टूडेंट्स या तो फिर से एग्जाम दें या ग्रेस मार्क्स हटाकर अपनी जो अंक तालिका है उससे ही संतोष करें। उसके बाद बिहार में लोग पकड़े जा रहे हैं, वहां पर चेकबुक साइन की हुई चेक की लीव्स मिल रही हैं माफियाओं के नाम पर, कमरे की बुकिंग सामने आ रही है, आरोपियों का नाम सामने आ रहा है, तो इतना कुछ हो रहा है एनटीए के नाम पर। तो यहां पर वाकई एक बड़ा सवाल उठता है जिसका जवाब हम तीनों अपने मेहमानों से बारी बारी से जानना चाहेंगे कि जो ये भरोसे का जो ये एग्जाम है इसमें कौन पास है और कौन फेल है। सर, पहला सवाल हमारा रविंद्र कन्हारे जी आपसे ही होगा कि भरोसे के एग्जाम में क्या वाकई एनटीए पास हुआ है या फेल? देखिए, मैं केवल एनटीए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश में होने वाले सभी तरह के एग्जाम में सिस्टम को तोड़ने के लिए हजारों लोग प्रयास कर रहे हैं, ये एक तथ्य है। और इसके लिए जो एसओपी बनती है कोई भी एग्जाम कराने वाली एजेंसी हो उसकी एसओपी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इस प्रकार के लोग सिस्टम को न तोड़ सकें। तो मेरा कहना केवल इतना है कि हर एजेंसी को, केवल एनटीए की बात नहीं, हर एजेंसी की एसओपी इतनी स्ट्रांग हो और रूल बुक का सख्ती से पालन किया जाए ताकि इस प्रकार के लोग एग्जाम की विश्वसनीयता को तोड़ न सकें। जैसा मैंने कहा था कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, टीवी पे बहुत सी बातें जो गोपनीय नहीं कही जा सकती, लेकिन इतने सेफ्टी चेकअप हैं, जैसे हम रेलवे में कहते हैं ना कि पूरे रूल का पालन करें तो एक्सीडेंट हो नहीं सकता, उसी प्रकार से यदि सारे नियमों का पालन करें तो परीक्षा की गोपनीयता को भंग नहीं किया जा सकता। तो मेरा केवल इतना कहना है कि परीक्षा कराने वाली हर एजेंसी अपने एसओपी की जांच करे, सख्ती से उसका पालन करे और उसमें जहां भी दोषी हो, जो इसने भी गलती करी हो, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि एक मिसाल बने कि आगे लोग इस प्रकार की गलती ना करें। और जो लोग पकड़े गए हैं उनकी सहायता से हम बिल्कुल ट्रेस कर सकते हैं कि ये पेपर कहां से लीक हुआ होगा, इसकी अच्छी जांच होना चाहिए। और जैसा कि हमारे आईजी साहब भी बता रहे थे कि न केवल पुलिस बल्कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए विशेषज्ञ जो ये जानते हैं कि सेटिंग कैसे होती है, मॉडरेशन कैसा होता है, पेपर कहाँ रखे जाते हैं, सील कब खोली जाती है, पूरी व्यवस्था के जो जानकार है वो इस टीम में रहेंगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं कि हम अपराधी को न पकड़ पाएं। यही मेरा कहना। यही सवाल लेकर हम सीपाल सिंह साहब आपके पास आ रहे हैं कि जैसा कि साहब ने, इन्होंने कहा कन्हारे साहब ने कि विश्वसनीयता बनाए रखनी होगी किसी भी एजेंसी को, एनटीए को भी, लेकिन सुधार तो तब होता है ना जब सबसे पहले गलती मानी जाए कि हाँ हमसे गलती हुई है। यहाँ पर तो पहले उसी से बचते लोग दिखे, अब जब चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं तब इस तरह की बात की जा रही है कि जांच की जाएगी इस पर प्रॉपर। तो आपसे भी यही सवाल पूछना चाहेंगे कि आप अपने तजुर्बे में, बहुत से ऐसे केसेस की आप जाँच करते आए होंगे, इस पूरे घोटाले को देखने समझने के बाद क्या वाकई ये जो भरोसे का एग्ज़ाम है और ये जो व्यवस्था है इसे आप पास कहते हैं या फेल? देखिए, जो सवाल आपने डायरेक्ट कहा है, जिसको पहले व्यक्ति ने बड़ा तरीके से इसको उस पॉइंट को छोड़ दिया कि फेल है या नहीं, मैं समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर जो इस किस्म का जो टेस्ट हुआ है इस स्टेज में, तो जो भी इन्होंने किए हों, कई इन्होंने नुक्ते रखे हैं, ये एसओपी, ये एसओपी, सब मद्देनजर फिर भी कुछ हो गया, तो इस लिहाज से मैं तो समझूंगा इस स्टेज पे ये फेल हो गई है, इसकी एजेंसी के जो भी इनके अंदर इस स्टेज में फेल हो गया। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप इसको नुक्ता नज़र से देखेंगे जिस हिसाब से वो कह रहे हैं, तो पता चलेगा कि कौन सा आदमी है जिसने, उसमें कौन से आदमी हैं, कौन सा आदमी है जिसने इसमें इस किस्म की लीकेज का कोई डिस्क्रिशनरी छोड़ दिया है, जिस डिस्क्रिशन को यूज़ करके उन्होंने ये किया है। तीसरी बात यह है कि जो आपने बड़ा अच्छा सवाल दिया कि कच्ची उम्र और अज फॉर्मेटिव स्टेज पे बच्चे हैं, उनके मेंटल और साइकोलॉजिकल क्या असर होगा, ये हो रहा है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि यहाँ तक अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका हक बनता है, उनको यह ज़रूर है कि वो खिलाफ करें, लेकिन कुछ थोड़ा सा ये ख्याल करें कि इनके इतना करने से, अपोजिशन पार्टी से, हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर होगा। वो क्या सोचेंगे कि हिंदुस्तान में कोई इम्तिहान तो ठीक होते ही नहीं है, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, करप्शन हो रही है ऑलरेडी उनके माइंड में। तो एक मनोवैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा एग्जेजरेट ना किया जाए, टू द पॉइंट जितना है उसको लिया जाए, ताकि बच्चों के ऊपर मनोवैज्ञान आप जितना ज़्यादा करेंगे, जितना उसके ऊपर अपोजिशन का हक है करें, अपोजिशन का हक है वो
रौला वौला करना चाहते हैं, लेकिन इसको जितना दूर पकड़ेगी उतना बच्चों के ऊपर ज्यादा असर होगा। ये तीनों पॉइंट है। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात आपने कही है सर। यही सवाल हम आखिर में उपेंद्र अनमोल साहब, डॉक्टर उपेंद्र अनमोल साहब से भी पूछेंगे। सर, ये सारी चीजें आपने सुनी, मौजूदा परिप्रेक्ष्य में ये जो भरोसे का एग्जाम है, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर पास है या फेल है? संजीव जी, तो देखा तो एनटीए को देखकर सुई और गहरी होती है, और मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो स्थिति बनी है, सबसे पहले इसमें सही से जांच करके तक जरूरत है, और नीट एग्जाम को दोबारा करवाने की जरूरत है, और साथ ही साथ एनटीए के स्तर में जो कमी है उस कमी को दूर करते हुए आगे एक ऐसी व्यवस्था लाने की जरूरत है ताकि कभी इस तरीके की चुनौती ना उत्पन्न हो, और एक फेयर एग्जाम बच्चों जिसका विश्वास हो, गंभीरता से जिसे बच्चे, वैसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है, और इसी प्रकार की व्यवस्था से बच्चों में विसेगी। और जैसा कि सीपाल सर भी कह रहे थे कि चूंकि बच्चे सेंटिमेंटल होते हैं, इनकी एज कम हो, तो ऐसी स्थिति में कहीं साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर दबाव ना पड़े, इस तरीके से हमें व्यवस्था को बदलना होगा, विश्वसनीय बनाना होगा, और कुल मिला जुला करके एक साबित करके ऐसी समस्याओं को रोकना होगा, तभी हम बेहतर कर सकते हैं। आप भी यही कह रहे हैं कि हमें इसकी विश्वसनीयता को फिर उसी रूप में स्थापित करना होगा, पुनर्स्थापित करना होगा। सीपाल सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात ये कही कि विपक्ष सवाल जरूर खड़े करे, लेकिन इस तरह से ना खड़े करे कि बच्चों का पूरे देश की एग्जाम व्यवस्था पर से ही विश्वास उठ जाए। उन पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव है, वो उनकी जो एक फॉर्मेटिव एज है, ये उसमें उनके दिमाग पर ऐसा असर ना पड़े कि पूरी ज़िंदगी उनके अंदर एक भय, एक डर घर कर जाए किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। तो फिलहाल अब जो कि मामला बिहार से सामने आया है, यहाँ पर लगातार गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, जो एक जिसका किंग पिन बताया जा रहा है, जिसका नाम भी यादवेंद्र करके आया है सामने, वो फिर एक अनुराग, एक स्टूडेंट जिसको हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, कमरा नंबर सामने आ गया है। लगातार बिहार सरकार अब इस पर अपनी जांच को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी, उन्होंने क्या कहा इस मसले पर, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्नपत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीपाल सिंह साहब, एक बार फिर से आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि मामला अब जांच पर आ गया है, तो इसमें एक इसका जो किंग पिन बताया जा रहा है, बताया जाता है कि वो इंजीनियर है, उसके दो बेटे हैं, वो दोनों भी MBBS एक लड़की कर रही है, और बेटा शायद अब PG की पढ़ाई कर रहा है, MDA MS कर रहा है। चेक्स मिले हैं माफियाओं के नाम पर साइन किए हुए, कमरा नंबर की बुकिंग मिली है, रजिस्टर में बाकायदा एंट्री है, और वो रजिस्टर की एंट्री आज मीडिया के सामने भी है, जिसमें एक छात्र के नाम के आगे जो बुकिंग है मंत्री जी भी लिखा हुआ है। तो ये पूरा मामला खुलकर सामने आया, और लगातार बिहार सरकार भी सक्रिय हो गई है, क्योंकि एक बड़ी गिरफ्तारी देखी जा रही है बिहार से इस पूरे मामले की। तो जो आपने बताया कि इसमें कई चरण होते हैं, जैसा कि कनारे साहब ने भी कहा, अलग अलग चरणों में कहीं पर भी लूप होल हो सकता है, जिसे सबसे पहले पकड़ना और फिर उसे भरना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो पूरी जांच प्रक्रिया है, आपने बताया कि इसमें बहुत ज़िम्मेदार लोगों को होना चाहिए, तो अब जो चीज़ें सामने हैं अमूमन, इनको अगर एक गंभीरता से हम इस जाँच को करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें अब बहुत कुछ खुलने जैसी बात नहीं है, अब एक कड़ी से दूसरी कड़ी को सिर्फ जोड़ना है और खोलना ही है? देखिए, आपने, मैंने पहले भी कहा है, दोबारा ये कहूँगा, हमने जो करना होता है ना पुलिस ने, वो ये करना होता है उस वक्त कर दिया, ताकि लोगों में जो बहुत ज़्यादा फीलिंग है ये हो रहा है, और इसको एकदम समझ जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा दो दफ अरेस्ट हो गए, तीन आदमी को अंदर कर दिया, चार आदमियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया, तो लोगों में थोड़ा सा धीमे हो जाएगी ये बात। ये चीज़ ठीक है, एक आग को जलाने के लिए, आग बुझाने के लिए आपने फेंक दिया, लेकिन सवाल है आग पैदा क्यों हुई? आग को बुझाने के लिए आपने थोड़ा सा एक्शन कर दिया, लोगों को पता चल गया, सवाल है ये जो आग पैदा हुई इसके पीछे जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक है, रैंडम, मैंने उसको कहा रैंडम वे आपने डील किया, उसको पकड़ लिया, इसके पकड़ा, कड़ियाँ जोड़ी जाएंगी, एक साथ दूसरी कड़ी जोड़ना कोई ऐसी बात नहीं है, आज एक आदमी है, कल को कोई और आदमी ले आएंगे जिसकी इन्वेस्टिगेशन के साथ, वो कहेगा मैं भी यहाँ था, मैंने ये बात सुनी थी, मैं इस कमरे में गया था, मैंने बोला मंत्री जी आना था, मंत्री साहब तो आए नहीं, ये क्यों आए, ये बातें करेंगे, पुलिस से आएंगी। ये जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं समझता हूँ ये ओनली रेंडम एंड ओनली टू सर्व द पर्पज ऑफ एट द मोमेंट टू डैम्पन
द सेंटिमेंट्स ऑफ अराउज सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. ठीक है, करना होना चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, इसके जो लूप होल होंगे, जो वैक्यूम इसमें होगा उसको फिल भी करना चाहिए, लेकिन हत्तुलविसा कोशिश यही होनी चाहिए कि थारो इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जिससे ये पता चले कि ये वजह हुई कैसे, हाउ इट हैपन, क्यों हुआ, क्या इसमें डिस्क्रिशन पावर रह गई या क्या लूप होल रह गया. जैसे अभी सबसे पहले हमारे व्यक्ति वो रहे हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसमें जांच होनी चाहिए, बड़ी कंसोलिडेटेड तरीके से, और सारे आदमियों को शामिल कर, सारी एजेंसीज के जो डील करते हैं, इमरान वाले, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, इन सब को शामिल करके, तो इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन, जिम्मेदार लोग हैं एनटीए के, उनको और शिक्षाविदों को जोड़कर एक पैनल बनाया जाए और फुल प्रूफ जाँच होनी चाहिए, ताकि कहीं से कोई ऐसा सिरा ना छूट जाए जो आगे चलकर फिर नासूर बनकर देश के सामने आए. तो आप तीनों सम्मानित मेहमानों ने बहुत ही अच्छी बात ये कही कि संस्था अपने आप में सम्मानित है, लेकिन अगर उस सम्मानित संस्था पर सवाल खड़े हुए हैं तो अब ये संस्था को समझना होगा कि कैसे उन सवालों को दूर करना है जो लोगों के जहन में उभर रहे हैं. और इतना मुश्किल ये है भी नहीं अब, क्योंकि कड़ियाँ खुलनी शुरू हो गई हैं, और अगर जाँच एक पुख्ता जाँच की जाएगी तो हम उम्मीद करते हैं एनटीए को लेकर वापस विद्यार्थियों के मन में जो एक जो भय कह लें, एक या ये जो शक कह लें, ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगा. कनारे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने का और वो सुझाव देने का कि कैसे इस संस्था के सम्मान को और विश्वसनीयता को फिर से वापस पाना बहुत ज़रूरी है. उपेंद्र अनमोल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टूडेंट्स से जुड़े हुए तमाम हितों को जिस तरह से उठाया है और विश्वसनीयता को कैसे फिर से हासिल किया जाए उस पर अपनी राय दी है. सीपाल सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह हो जाता है कि देश में जो बच्चे हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में किसी तरह का डर ना पैदा हो, उनके मन में कोई शंका ना पैदा हो, ये उनकी फॉर्मेटिव एज है. तो विपक्ष से भी यही अनुरोध है कि सवाल उठाएं, सरकार को कटघरे में लें, एजेंसी पर भी सवाल उठाएं, लेकिन ऐसा बवाल ना हो कि स्टूडेंट का ओवरऑल व्यवस्था पर से ही विश्वास उठ जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, उसके मन में देश के संविधान के प्रति, देश की व्यवस्था के प्रति, देश के सिस्टम के प्रति एक विश्वास बना रहे, ये विश्वास ना टूटे, ये सब भी हम सब की जिम्मेदारी रहती है, और हम खुद मीडिया वालों की भी, कि हम भी इस बड़े मामले को कोशिश करें कि जल्द से जल्द सही ढंग से उजागर करें और स्टूडेंट्स के हितों को ध्यान में रखते हुए. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, इस चर्चा में हिस्सा लिया. तो फिलहाल श्रेष्ठ भारत पर यह थी हमारी कोशिश इस बड़े मामले के तमाम पेचों को समझने की. हम फिर बहुत जल्द हाजिर होंगे देश और दुनिया की अहम खबरों के साथ, आपके साथ.